দিয়ে ওইটা গ্রুপে হিয়ার কার দিন আছে, সব লোক জয়েন কার নেই। জি স্যার। Given microstate is real-life, A given macrostate is realized through an enormously large number of microstates. हाँ जी, ये जैसा आप पहले देख भी चुके हो कि हमारे पास एक मैक्रोस्टेट के अंदर एक से ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये जी सर। जी तो इसका जो आपकी अगली और स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की लाइफ होगी, इसमें हम इस एजम्पशन के साथ चलेंगे कि देयर मे एग्जिस्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद इन अ सिंगल मैक्रोस्टेट। जी सर। जी नेक्स्ट दूसरा द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स इन दिस कनेक्शन द एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन शुड बी कैप्ट इन माइंड। अकॉर्डिंग टू इट इफ द लाइफ टाइम ऑफ अ स्टेट इज डेल्टी द एनर्जी ऑफ डेट स्टेट इज अनसर्टेन बाई अ फैक्टर डेल्टा ई इज इक्वल टू एच कट ओवर डेल्टा टी। हाँ जी, यानी सिंपल इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है वो होल्ड करेगा, और एक सर्टेन लाइफ टाइम जो होगा किसी स्टेट का, लाइफ टाइम का मतलब ये है कि जितने टाइम तक वो स्टेट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि बेसिकली हम स्टेट से मुराद एक एनर्जी वैल्यू लेते हैं। तो जितना अरसा किसी सिस्टम कोई सिस्टम उस पर्टिकुलर एक एनर्जी वैल्यू के अंदर रहेगा, तो एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से होगी, इसके अदरवाइज हम टोटल एनर्जी को कांस्टेंट लेंगे। जी सर। ठीक हो गया। थर्ड, द इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आर गिवन बाय द एंसेंबल एवरेज ऑफ द कोरस्पोंडिंग क्वांटिटीज। क्वांटिटीज, हाँ जी ठीक है ना, यानी ये हम पीछे एग्जाम्पल एवरेज का आइडिया डिस्कस कर चुके हैं, हम उसकी बेस पर जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है उसको लेंगे। आगे पढ़े, इसमें ये अगली सारी लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको पढ़े, नोट करें जो क्लियर। एंजेंबल्स की क्रोस्पोंडिंग क्वांटिटीज होगी, जी इनमें जी टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारी इंक्लूड होंगी ना। हाँ जी, जो बिल्कुल ये नहीं, जिस सर्टेन क्वालिटी को असेस करने के लिए आपने एंजेम्बल बनाया है, जी सर, चाहे मतलब वो कैनोनिकल हो या ग्रैंड कैनोनिकल। मैं समझाता हूँ। देखिए, पीछे आपने वो एक एग्जांपल पढ़ी है, ए और बी दो चैम्बर्स जिनको आपने वाल के साथ कनेक्ट किया। अब इसमें हम किस क्वांटिटी के साथ इंटरेस्टेड थे? हम इंटरेस्टेड थे कि आफ्टर 1 सेकेंड वो पार्टिकल चैम्बर बी में शिफ्ट होता है या नहीं होता, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। इसका मतलब कि उसमें वो क्वालिटी
this may have interested, say, well, shifting of particle was in second chamber. So, is that say, observe koi bhi jab aap ensembles ko design karoge to aap apne kisi certain question of interest ka answer dhoondoge na to wo yahan pe corresponding quantity kehlayegi. Yes ji, aage bolne. Now that we are familiar with the calculation of probability, we shall attempt to relate it to some thermodynamic quantities. To this end, we recall that the states of a system are very conveniently represented by its energy. So we first... Ji, sir. Ji. इसमें इस बात को आप ध्यान में रखें कि हम आगे जितनी स्टडी करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम इस स्टेट में है, यानी स्टेट से मुराद हम एनर्जी ले रहे होंगे, यानी बेसिकली हम सिस्टम की स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे होंगे in terms of energy value. Ji, so we first seek a connection between the value of energy and the corresponding number of accessible states of our system. Thus we have seen that in equilibrium two interacting macroscopic systems will have such a distribution of energy between them that the number of available states is a maximum. Bahut important baat hai, bahut important baat hai ye. Iska simple matlab ye hai ki at equilibrium hamare paas jo number of states accessible to the system hoti hain वो मैक्सिमम होती हैं. क्या क्या बोला मैंने, भला रिपीट करें जो मैंने बात बताई आपको. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारे पास जो एक्सेसिबल स्टेट्स होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं. हाँ जी, ठीक है ना, यानी जो सिस्टम के पास एक्सेसिबल स्टेट्स होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं. ये एक रूल के तौर पर आप याद रखेंगे. तो इसको फिजिकली आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हाँ जी, कैन यू डिस्क्राइब इट फिजिकली? कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं, यानी कि आपका माइंड इस बात को इजीली एक्सेप्ट कर ले ये जो बात इसने लिखी है. हाँ भाई, शाबाश. एनी वन ऑफ यू सर, हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि एक कंटेनर है उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, वो ग्लास वॉल में एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर हम अगर चाहें कि हम कैलकुलेट करें कि ये कब इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं, कि उनके दरमियान वो रिवर्सिबल रिएक्शन और इनरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे हैं, तो जब कैल्शियम क्लोराइड वो उनका जब वो मैक्सिमम जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि उनके अंदर रिएक्शन जो होंगे वो रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल इक्वल होंगे, तो उनका जो कलर अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो मैक्सिमम वैल्यूज में होंगे. इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं. कोई और आइडिया जी?
शाबाश, कोई और आइडिया? एनी वन ऑफ यू बेटा? अच्छा अब आप मेरी बात को ना जरा ध्यान से सुनिएगा, फर्ज करें ये कल आपने परफ्यूम स्प्रे की एग्जांपल ली थी। फर्ज करें हमारे पास एक रूम है, रूम के अंदर एक ही गैस फिल है और उसके तमाम मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि दो बिल्कुल आइडेंटिकल यानी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स अगर अपनी जगह आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो सिस्टम की माइक्रोस्टेट में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, नहीं फर्क पड़ेगा। अब हम ये करते हैं कि उस कमरे में ना, कमरे के एक कोने में फर्ज कर ले एक बैलून है, उसमें आपने कोई एक अदर गैस भरी हुई है उस बैलून में। हम उस बैलून को ब्रस्ट कर देते हैं कमरे के एक कोने में, ठीक है। अब नो सर, होगा क्या कि ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों गैसेस हर जगह इक्वली मिक्स होने की कोशिश करेंगी, पहले वाली भी और जो बैलून वाली। आपने बैलून वाली गैस को भी फिर किया है। इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगी? जब दोनों को ग्रेडियंट जो है ना वो वैनिश हो जाएगा, यानी दोनों की क्वांटिटी जो है ना पूरे रूम में सेम हो जाएगी। यानी दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कमरे के अंदर यूनिफॉर्म हो जाएगी। अच्छा अब आप इसके साथ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट देखें कि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम अचीव ही उस वक्त होगा जब वो बैलून वाली गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते 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 पूरे कमरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो नाउ यू कैन इमेजिन हियर दैट कि जब इक्विलिब्रियम होगा उस वक्त रैंडमनेस अपने मैक्सिमम पे होगी। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, और उस वक्त जो नई स्टेट्स हैं वो मैक्सिमम बन चुकी होंगी, यानी वो बैलून के गैस पार्टिकल्स दूसरी गैस पार्टिकल्स को कमरे के हर कोने में रिप्लेस कर रहे होंगे, यानी इक्वली जहाँ पर एक गैस थी अब वहाँ पे दूसरी गैस के मॉलिक्यूल अपनी जगह बना रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम अचीव ही उस वक्त होगा जब ये रैंडमनेस मैक्सिमम हो चुकी होगी और पूरे कमरे में यूनिफॉर्म हो चुकी होगी, और उस स्टेज पे अब आप कंसिडर कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो मैक्सिमम हो चुकी हैं, यानी जो नई स्टेट्स जो नई माइक्रो स्टेट्स डिवेल्प होनी थी वो मैक्सिमम हो चुकी हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे सिस्टम के पास जो स्टेट्स अवेलेबल होती हैं वो मैक्सिमम होती। जी सर, बात क्लियर हो गई? जी सर, चले अब आगे बढ़े। वेन टू इंटरैक्टिंग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम पैरामीटर विल टेक वैल्यूज सच दैट द नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल टू द कन्फाइंड सिस्टम इज अ मैक्सिमम। दिस कंडीशन सजेस्ट अ कनेक्शन बिटवीन द एंट्रोपी एंड द प्रोबेबिलिटी। इस बात की आप समझ आ गई? ये मैं ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ये सारी बात। यस सर, सर ये जो रैंडमनेस है वो एंट्रोपी से रिलेटेड है ना, तो हाँ इक्विलिब्रियम पे हम बिल्कुल, कह रहे हैं कि रैंडमनेस मैक्सिमम होगी तो नंबर ऑफ स्टेट्स मैक्सिमम होंगे।
तो अगर नंबर ऑफ स्टेट्स मैक्सिमम हो गए तो एंट्रोपी इज़ अ मेजर डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, एग्जैक्टली, और वो भी मैक्सिमम होगी। और वो भी मैक्सिमम। तो अब आपने तीन चार बातों को ध्यान में रख दिया यहाँ पे, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स टू द सिस्टम अवेलेबल मैक्सिमम होंगी, एंट्रोपी मैक्सिमम होगी उस वक्त क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम, एग्जैक्टली, और उस वक्त सर आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया। जैसे वो पहले ऑलरेडी आपने मेरे ख्याल से एंट्रोपी उतारे थे तो फिर ठीक हो गई थी, आज फिर वो इशू बन रहा है। सर ये अभी आपने जब कॉल की है ना, और कॉल करने के बाद से ये नॉइज शुरू हुआ। अच्छा अब कुछ स्टेबल हो गया आवाज के लिए? सर सुन सकते हैं लेकिन ना नॉइज है आपकी वॉइस में। मैं इसको उतार देता हूँ। जी सर क्या बोली? अब ठीक है सर, ठीक हो गया। एक और बात याद रखें कि इक्विलिब्रियम पर, यानी वन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो जितनी सारी स्टेट्स होती हैं उनमें से सिस्टम की किसी एक स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरी के लिए, तीसरी के लिए और सब के लिए बराबर होती है, ये भी एक बात नोट कर लें। जी जी समझ आ रही है बात? जी सर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू बी इन अ सर्टेन स्टेट इज सेम फॉर ऑल, जितनी स्टेट्स अवेलेबल होती हैं सिस्टम को
कंडक्टर से हो गए। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज जी इक्विलिब्रियम स्टेज पर तमाम स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल होती हैं सिस्टम के लिए। ठीक हो गया जी सर। ओके नेक्स्ट है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ये वही कॉन्सेप्ट है जो भी हम मैंने आपसे डिस्क्राइब कर दिया। और क्या कि बेसिकली जो एंट्रोपी होती है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती है। कैसे रिलेटेड होती है क्या बताया बता मैंने भी आपको। यानी अगर आप एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी को रिलेट करना चाहें तो कैसे रिलेट करेंगे। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी के, कि जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वहां पे एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी। एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी। तो ये आप जैसे हमने नीचे इक्वेशन नंबर 12.21 देखो F equals to F of thermodynamic probability ये जो omega naught है। ठीक है ये simple जी जी ये simple सी calculation नहीं सर। अगर हमारे पास equilibrium सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारे पास फाइव स्टेट्स हैं सिस्टम की सही। इन जनरल अगर हम कोई ले लें तो हमने कहा इन जनरल अगर हम लेते हैं ना तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे उसकी प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। और अभी हमने एक रूल डिफाइन किया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सब की सेम होती है। मतलब सिस्टम वन है उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है तो इनमें जितने भी सिस्टम है सभी की वो सेम होगी 60% की जो भी स्टेट होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब आप यहाँ पे जो एंट्रोपी होती है ये एक्सटेंसिव वेरिएबल होती है। एक्सटेंसिव वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेपरेट सिस्टम है उनकी एंट्रोपी S1 S2 हो तो अगर आप उन दोनों को मिला लो तो कंबाइंड सिस्टम की जो टोटल एंट्रोपी बनेगी वो S1 + S2 के क्या होगी इक्वल होगी। समझ आ रही है ना बात। अब आप जी तो आगे ये अगले पेज पे ये बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसको आप देख लीजिएगा। एंड रिजल्ट आपके पास ये है इक्वेशन 12.28 के जो एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के दरमियान रिलेशन है वो ये होता है कि S equals to K log natural of omega plus C। यहाँ से N पे जब इसको देखा गया तो K जो कांस्टेंट है इट वॉज बेसिकली बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट। ठीक है तो इन जनरल जो आपके पास रिलेशन आता होता है एंट्रोपी के लिए एस दैट इक्वल्स टू के बी इंटू लॉग नेचुरल ऑफ ओमेगा। आपने ये इक्वेशन दी हुई है अगले पेज पे चले जाओ ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ के बाद पेज नंबर 12.21 पर इक्वेशन 12.33 के एंट्रोपी एस इक्वल्स टू के बी लॉग नेचुरल ऑफ ओमेगा। इस इक्वेशन को हमने याद रखना है। ठीक है तो इसमें ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई इशू हुआ कोई स्टेप न समझ आ रही हुई तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है अच्छा अब ये नेक्स्ट आ जाओ पेज
12.22 पर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। जी सर जी, बड़े वाला क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग the entropy of a system consisting of a very large number of particles is proportional to the natural logarithm of the total number of microstates available to the system. ये जो भी मैंने पीछे आपने पढ़ा कि जो S entropy that equals to kb into log natural of omega, ठीक है जी, आगे। Therefore, if only one microstate is available to an assembly, we have omega is equal to 1 and ln of omega is equal to 0, so S is equal to 0. जी। The state of each particle can be uniquely specified and the system is said to be perfectly ordered. The how the exactly is baat ko zara bada interesting ye jumla result hai ke omega equal to 1, iska kya matlab hoga ki system ke paas ek hi state available hai, the state jis ki mic available hai, मतलब इसके लिए आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, हम जीरो केल्विन पे चले जाते हैं और जीरो केल्विन पर उस इलेक्ट्रॉन के पास एक ही स्टेट पॉसिबल है कि वो n इज इक्वल टू 1 में मौजूद होगा, यानी सिस्टम के पास एक ही स्टेट है, ठीक है ना। अच्छा, जब स्टेट एक है इसका मतलब कि ऑर्डर मैक्सिमम है, कोई रैंडमनेस है ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, बात समझ आ रही है जी सर। और फिर जब कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एक ही स्टेट है, इसका मतलब कि एस पर जो एंट्रोपी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, जीरो होगी। पढ़ें आगे, the state of particle can be uniquely specified and the system is said to be perfectly ordered. However, if more than one energy state become available to the system, then omega is greater than 1 and on entropy S greater than 0. एक सेकंड वही हाइड्रोजन जो पहले जीरो केल्विन पे था, अब आप ये करते हो कि टेम्परेचर जीरो केल्विन से थोड़ा सा बढ़ा देते हो, तो टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के पास अब पॉसिबिलिटी है कि वो जंप करके नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाए। समझ आ रही है ना बात जी सर। अब जो ही ओमेगा वन से बढ़ेगा, यानी स्टेट से ज्यादा अवेलेबल होगी, तो डिसऑर्डर भी साथ बढ़ जाएगा जी सर। यानी जो पहला सिस्टम के अंदर एक ऑर्डर था वो अब डिसऑर्डर हो गया, इसका मतलब कि एंट्रोपी जो होगी वो भी जीरो से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी जी। आगे पढ़ देते हैं। हाँ, you cannot specify the state of each particle uniquely. It means that the system has become disordered. Therefore, entropy of a system may be constructed as a measure of disorder in the system. जी सर। हाँ जी। Next. The interpretation of entropy helps us
to gain greater insight to the meaning of absolute zero. According to the Planck's statement of the third law of thermodynamics, the equilibrium entropies of all the systems tend to zero as temperature approaches absolute zero. That is, entropy approaches to zero as temperature T approaches to zero. Therefore, we can say that the systems in equilibrium are more perfectly ordered at absolute zero. Absolute zero. So, adem yantak ek kalam inshallah aage classical and quantum statistics.